हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि कटिंग से रिलेटिव जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, हमने जो ये फैब्रिक लिया है, ये 1:10 है 1:10, और इसमें हम बंडी कटिंग करेंगे। हमारा इस बंडी का जो बॉटम आएगा यानी इसका जो दामन आएगा वो राउंड आएगा। तो आप देख लीजिए, इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इसमें हम बैक में जॉइंट नहीं देंगे, हमारा विदाउट जॉइंट वाला बैक कटेगा। अगर आपको बैक जॉइंट वाला कटिंग करना है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो चाहे तो देख लीजिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे दे दूँगा। इसमें हम बैक में जॉइंट नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्लावर वाला है, इसलिए हम इसमें बैक में जॉइंट नहीं देंगे। तो ये एक पल्ला हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जितना हमारा हिप है यानी चेस्ट वेस्ट हिप, इसमें जो ज़्यादा है वो आपको यहाँ से, जहाँ से ये कपड़ा शुरू हो रहा है, ये किनारी पीस है, ये कपड़ा जहाँ शुरू हो रहा है यहाँ से उसका चौथा हिस्सा नापना है। हमारा हिप जो है 38 है तो 9.5, और यहाँ से 1.5 इंची एक्स्ट्रा लगाना है। ये देखिए, यहाँ 1.5 इंची हमने एक्स्ट्रा लगाया है। 1 इंची का हम मार्जिन देंगे और 0.5 इंची हम ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि ये हमारा कम ना पड़े, इसलिए इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस मार्किंग में जो हमने ये मार्कर लगाया है, ऊपर से 1.25 इंच कपड़ा छोड़कर हमको स्ट्रेट करना है। ये देखिए, ऊपर से आपको सीधा कर लेना है, नीचे हमारा कम है, इधर है, तो हम यहाँ से 1.25 इंच फैब्रिक छोड़कर इसको स्ट्रेट करेंगे। इस तरह हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये स्ट्रेट करने के बाद इस मार्किंग में हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे। चेस्ट हमारा 38 है 38 इंच, तो 38 में हम 10 इंच पे लगाएंगे। 10 × 4 = 40 होता है, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 होता है, 0.5 इंची हम ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि अगर हम इसका चौथा हिस्सा लगाएंगे, 9.5 लगाएंगे तो आर्मोल छोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 10.25 भी कर सकते हैं लेकिन 10 से कम मत कीजिएगा। स्टमक हम पेट का मार्कर लगाएंगे, हम 16.5 पे लगाएंगे। बंडी का लेंथ हमारा 27 है तो हम 27 पे ही लगाएंगे। ये हम बैक कटिंग कर रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे वो मैं आपको फ्रंट में बताऊँगा। सेम यही मार्का हम यहाँ भी लगा लेंगे, ये 10 इंच, ये 16.5 और ये 27। उस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसमें हम मार्जिंग दे देंगे, मार्जिंग हम इसमें 2 इंच का दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम कॉलर का मार्कर लगाएंगे यानी नेक का। कॉलर हमारा 16 इंच है, 16 का 5वां हिस्सा करना है, 5 × 3 = 15, 3 इंची 1 सूत यानी 3 इंच 1 पॉइंट, ये मार्कर यहाँ लगाना है। और ये देखिए, ऊपर की तरफ हमने ले आया है, आपको स्केल से इसको ऊपर की तरफ ले लेना है और यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग लगाना है ऊपर, ये 1.25 इंच ऊपर की तरफ लगाना है। उसके बाद हम शोल्डर का मार्का लगाएंगे। शोल्डर का मार्का, ये जो हमारा स्ट्रेट मार्का है, इससे 1.25 इंच नीचे मेजरमेंट टेप को आपको रखना है। शोल्डर हमारा है 17.5 का हम आधा करेंगे, 9.25 इंच, और यहाँ से 0.5 इंच हम मार्जिन देंगे, तो ये हो गया 18.5। 17.5 है, इसका आधा करके 0.5 इंच मार्जिन देना है। इसका दूसरा तरीका भी है शोल्डर का लगाने का, वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था बंडी का उसमें मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ, वो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आएगा, वो आप देख लेना। यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर से 1.25 इंच लगाएंगे। उसके बाद इस मार्का को हम नाप लेंगे, ये जो हमारा स्ट्रेट है ये 9.25 है, तो यहाँ भी हम 9.25 पे रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट है, और यहाँ से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे। 38 है इसलिए हम 1.25 इंच माइनस कर रहे हैं। अगर चेस्ट 40 से ज़्यादा है तब 1 इंच माइनस करना है, 40 से कम है तो 1.25 इंच माइनस करना है बंडी और वेस्टकोट में। इसके बाद हम इस मार्किंग को इस तरह शेप कर लेंगे, इस तरह आपको शेप करना है। यहाँ आपको इसको राउंड कर देना है। यहाँ हम चेस्ट का मार्का लगाएंगे, चेस्ट हमारा 38 है तो 38 का चौथा हिस्सा लगाना है यानी जितना चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, तो ये 9.5 इंच आएगा, 9 × 36 37 38 9.5। इसको देखिए, इसको हम इस तरह राउंड कर देंगे। यहाँ जितना हमारा स्टमक है उसका चौथा हिस्सा लगाना है, स्टमक हमारा है 37
37 इंच, तो 9 चौके 36 और एक 37। चौथा हिस्सा लगाएंगे दोस्तों, इसमें बैक में जोड़े नहीं हैं, तो आप चाहे तो इससे 2 सूत कम लगाइएगा। अगर आपको फिटिंग में पहनना है, पीछे बैक लूज नहीं चाहिए, तो जितना स्टमक है उसका चौथा हिस्सा से 2 सूत कम लगाइए। मैं चौथा हिस्सा ही लगा रहा हूँ, मैं आपको एक पॉइंट समझा दे रहा हूँ। यहाँ हम हिप का मार्का लगाएंगे, हिप हमारा है 38, तो 9 चौके 36, 37, 38, ये देखिए। इस मार्किंग को हम इस तरह इसको शेप कर देंगे, इसको पलट के, और यहाँ हम इस तरह इसको शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद हम इसमें मार्जिंग देंगे, मार्जिंग हम 1 इंच का देंगे। आपको कम चाहे ज़्यादा, आप अपने हिसाब से मार्जिंग कर लीजिएगा। हमारा बैक फ्रंट दोनों में सेम मार्जिंग आएगा, और ये कैसे स्टिच होगा वो मैं कटिंग करने के बाद रख के दिखा दूँगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको जो भी पूछना है। तो इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बैक कटिंग हो चुका है, अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। चलिए हम इसको रख देते हैं। अब इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे, एक बराबर से आपको फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड करने के बाद हम फैब्रिक स्ट्रेट करेंगे। देखिए, ऊपर से आपको स्ट्रेट कर लेना है, 2 सूत फैब्रिक को छोड़कर, यानी 2 सूत कपड़ा छोड़कर। देखिए, इस तरह स्ट्रेट करने के बाद यहाँ हम मार्किंग लगाएंगे जो हमने बैक में लगाया था। ये देख लीजिए, ये हमारा बैक है। इस बैक में हमने जो मार्किंग लगाया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 10 इंच है, ये 16.5 है, और ये 27 है। तो हम यहाँ 27 नहीं 28 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो दिखा रहे हैं। देखिए, 10, 16.5, ये मार्का हमको यहाँ लगा लेना है। देखिए, ये 10 इंच, ये 16.5, और यहाँ जो हमारा लेंथ है वो 27 है, तो हम 28 पर लगाएंगे, 1 इंच ज़्यादा। सेम यही मार्का हम इधर भी लगाएंगे, 10 इंच, 16.5, और ये 28। इस मार्किंग को हमको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। ये मार्किंग स्ट्रेट करने के बाद यहाँ साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़कर आपको स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम चेस्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी सीना से। चेस्ट हमारा है 38 का आपको चौथा हिस्सा करना है, 9 चौके 36 37 38 9.5 इंच, और इसमें 1.25 इंच 3/4 आपको माइनस करना है, जिस तरह हम कोट में करते हैं। आपको नहीं पता है कोट में कैसे करते हैं, तो मैं वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के ऊपर कोट कटिंग दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लेना। 38 है, हमने 1.25 इंच किया है। 40 से नीचे, यानी 39 से नीचे है 38 37 36 35 34, तो आपको 1.25 इंच माइनस करना है। वो कैसे करना है मैंने कोड में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम लूजिंग देंगे, बंडी है। बंडी में अगर आप मीडियम फिटिंग कर रहे हैं तब आप 2 इंच लूज देंगे, अगर आप स्लिम फिट टाइट फिटिंग कटिंग कर रहे हैं तब आप 1.25 लगाएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा लूज कटिंग कर रहे हैं तब आपको 2.5 इंच लगाना है। उसके बाद हम स्टमक का मार्का लगाएंगे, यानी पेट का। स्टमक हमारा है 37, तो ये 9 चौके 36 37 9.25 इंच, और यहाँ से हम 2 इंच लूज का मार्का देंगे। उसके बाद हम हिप का मार्का लगाएंगे, हिप हमारा है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा 9.5, और यहाँ भी हम 2 इंच का लूज का मार्किंग देंगे। दोस्तों, 2 इंच आपको लूज तभी देना है अगर कोई मीडियम फिटिंग पहनने वाला है, अगर कोई लूज फिटिंग पहनने वाला है तब आप 2.25 से लेकर 2.5 इंच तक लूज देंगे। ये हमारा थोड़ा टाइट फिटिंग में ही मीडियम फिटिंग पहनने वाला है, इसलिए हमने 2 इंच दिया है। इस मार्किंग को आपको शेप कर लेना है। ये शेप करने के बाद हम यहाँ 1 इंच का मार्जिंग देंगे, जो हमने
बैक में 1 इंच का मार्जिन दिया है, सेम उसी तरह हमको यहाँ भी मार्जिन देना है। ये करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से 3/4 पौना इंच आपको यहाँ मार्कर लगाना है। और ये मार्किंग लगाने के बाद देखिए, ये शेप स्केल से ये जो इस तरफ जिस तरफ सीधा आ रहा है उस तरफ से हल्का शेप में इसको शेप कर देना है। इस तरह से हमारा बॉटम इस मार्किंग पे टूटेगा। यहाँ से हम इसमें मार्जिन दे देंगे जितना हमने बैक में दिया। हमने बैक में 2 इंच दिया है तो हम इसमें भी 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। ये हम थोड़ा दूर क्रॉस देंगे और उसके बाद इधर जो है यहाँ हम स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, शेप आपको सिर्फ आधा से इस तरफ ही देना है, हाफ से थोड़ा सा इस तरफ जिस तरह मैंने दिया है। यहाँ से हमारा इधर ओपन रहेगा तो ओपन हम इधर 3 इंच का देंगे, 3 इंच। ये देखिए, ये हमारा यहाँ कट आएगा। नीचे हम पॉकेट का मार्का लगाएंगे। पॉकेट का मार्का हम नीचे से 8.25 इंच पे लगा रहे हैं। इसका लेंथ 27 है, अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा तो आपको उसी हिसाब से लगाना है। साइड से हम 3.5 इंच दे रहे हैं, ये पॉकेट का मार्का है। और यहाँ से हम 5 इंच का मार्का दे रहे हैं। ये हमारा पॉकेट बनेगा। अब ऊपर आना है आपको, ये जो हमने 0.5 इंच माइनस किया है, चेस्ट से जो 0.5 इंच माइनस किया है इसको नापना है, मेजरमेंट करना है। ये 0.9 है तो यहाँ भी आपको सेम 0.9 लगा लेना है। और ये 0.9 लगाने के बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट करने के बाद यहाँ हम कॉलर का मार्का लगाएंगे। ये जो हम कॉलर का मार्का लगाएंगे उसी तरह लगाएंगे जिसमें हम, जैसे हम कोट में बंद गला या फिर शेरवानी इंडो वेस्टर्न में जो हमारा चाइनीस कलर होता है और जो उस तरह लगाते हैं, सेम वही फार्मूला से हम बंडी में लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि बंद गला, प्रिंस कोट, शेरवानी इंडो वेस्टर्न में किस तरह कॉलर का मार्का लगता है तो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, जितना हमने बैक में कॉलर का हला लगाया था यानी कॉलर का 5वां हिस्सा लगाया था, सेम उसमें 0.5 इंच आपको ज़्यादा लगाना है। ये देखिए, ये हमने 3 इंच एक सूत लगाया था तो ये यहाँ 3 इंच एक सूत और फिर यहाँ से 0.5 इंच 3/4 आपको ज़्यादा रखना है। यानी जितना हम कॉलर का, जितना हमारा 5वां हिस्सा है, जितना हमने बैक कटिंग किया है कॉलर का हाला, उसमें 0.5 इंच 3/4 आपको एक्स्ट्रा फ्रंट में लगाना है। ये 4 में एक सूत कम है तो यहाँ भी हम थोड़ा इससे नीचे 4 में एक सूत कम लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम ऊपर से 3.5 इंच लगाएंगे और यहाँ हमने जितना लगाया है यहाँ से 3/4 यहाँ लगाएंगे क्रॉस करने के लिए। ये 3.5 है, इससे 3/4 0.5 इंच कम लगाएंगे तो ये 0.3, यहाँ 3.5, यहाँ 0.3। अब देखिए, ये मार्का को हम स्ट्रेट करेंगे इस तरह से और फिर इस मार्का को हम इस मार्का में इस तरह स्ट्रेट करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। आपको इसको राउंड कर देना है। ये हमारा कॉलर का हाला है, ये देखिए इस तरह आपको राउंड करना है। ये राउंड करने के बाद देखिए, बैक को इसमें रखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ मैंने मार्का नहीं लगाया है। यहाँ आपको 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच आपको नीचे मार्का लगाना है और इस मार्का को थोड़ा दूर तक स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। यहाँ हम बैक को इस मार्किंग में रखेंगे, इस पॉइंट को, और इसको इस पॉइंट में रखेंगे और यहाँ हम मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद हम इसको शेप स्केल से शेप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको शेप कर देंगे। ये शेप करने के बाद यहाँ से देखिए, ये जो हमारा स्ट्रेट मार्का है, यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच इस तरफ मार्का लगाएंगे और इसमें हम इसको इस तरह शेप कर देंगे और हम इसमें इसको राउंड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हम राउंड कर देंगे। अगर ये कोट कटिंग होता तो हम, ये जो हमने स्ट्रेट मार्का लगाया है इसमें हमारा राउंड होता कोट का, लेकिन ये बंडी है, बंडी वेस्टकोट में आपको ये जो स्ट्रेट मार्का है इससे अंदर रखना है। आप चाहे तो 2 सूत और अंदर रख सकते हैं लेकिन उस तरफ नहीं रखना है, नहीं तो बगल में फंसेगा ये, तो आपको इस मार्किंग से अंदर ही रखना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच रखा है, आप ऐसे ही सेम रखिए। इसके बाद हम यहाँ वेल्स पॉकेट का मार्का लगाएंगे। वेल्स पॉकेट का मार्का, ये जो हमारा मार्का है यहाँ से 1 इंच पे हम लगाएंगे
और यहाँ से हम जितना वेल्स पॉकेट देंगे उतना लगाना है। ये हमारा चेस्ट 38 है, 38 में हम 4.25 इंच लगाएंगे। ये देखिए 4.25, तो यहाँ से ये जो हमारा स्ट्रेट मार्का है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्का लगाना है, और फिर यहाँ से वेल्स पॉकेट आप जितना चौड़ा देंगे जितना ब्रॉड देंगे उतना लगाना। मैं 1 इंच में एक पुल्ली कम देता हूँ, 1 इंच में एक पॉइंट कम, ये हमारा वेल्स पॉकेट यानी कि वॉलिड बनेगा। इस मार्का को हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, फिर इस मार्का को इसमें इसे क्रॉस कर देंगे, इसको भी इसमें लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा वेल्स पॉकेट का मार्का हो गया है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ ये जो हमारा स्ट्रेट मार्का है यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे आपको एक मार्का लगाना है, और इस शेप स्केल से इसमें आपको यहाँ शेप देना है। ये शेप देना ज़रूरी है, अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो यहाँ जो बटन लगेगा ऊपर का कॉलर के पास, तो यहाँ आपको इस तरह फूल जाएगा। तो यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर यहाँ पर शेप करना है, बंडी में, बंद गला कोट में, शेरवानी में, इंडवेस्टर्न में आपको ये करना है। इसके बाद यहाँ हम पिक का मार्किंग लगाएंगे, पिक हम 3/4 1/2 इंच का देंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हम, ये हमारा पिक बनेगा। अब दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि हमारा बॉटम राउंड है, इसका जो दामन है वो राउंड होगा, तो राउंड करने के लिए यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्का लगाएंगे, देखिए 1.5 इंच, और यहाँ से हम बटन का मार्का लगाएंगे। बटन हम यहाँ से 8 इंच पे देंगे, ये देखिए ये हमारा 8 इंच पे बटन आएगा, और ये जो हमने 1.5 इंच मार्का लगाया है इसमें, और ये जो हमारा जहाँ बटन है यहाँ पे हम इसको शेप स्केल से इस तरह शेप कर देंगे, और यहाँ हम इसको राउंड का मार्किंग लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा बॉटम राउंड हो जाएगा। इसमें हम बटन का मार्का लगाते हैं, यहाँ देखिए ये जो हमारा पिक का मार्का है यहाँ से 1.5 इंच नीचे 1.5 में आपको एक बटन का मार्का लगाना है, और फिर इसको नाप लेना है। ये देखिए ये 1/4 है, 1/4 का आपको हाफ कर लेना है, 7.5 में एक सूत कम। उसके बाद हम इसको भी हाफ कर लेंगे, तो ये 1/4 में आधा पुल्ली कम आएगा, और यहाँ भी हम इसको ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा 5 बटन का मार्किंग हो गया है। अब मैं आपको लेंथ मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ, लेंथ नाप के दिखा देता हूँ। ऊपर से हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो ये देखिए 1/2 इंच, 1/2 इंच हमने सिलाई में छोड़ दिया है। लेंथ हमारा 27 है, तो ये देखिए ये आप देख लीजिए, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए, और नीचे 27 है, ये हमारा लेंथ परफेक्ट आएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन को दबाइए और उसको ऑल पे कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, और दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ हम 1/2 इंच 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट भी कटिंग हो चुका है। चलिए मैं आपको बैक और फ्रंट रख के दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब मैंने बैक का मार्किंग लगाया था, ये लेंथ 27 ही लगाया था, इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाया था। एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हमने यहाँ 1/4 इंच एक्स्ट्रा ऊपर उठाया है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया था। तो आप देख लीजिए, इसको हम यहाँ बराबर पर रखेंगे, दोनों में 1-1 इंच का मार्जिन है, और ये देखिए ये हमारा ऊपर बराबर रखेंगे, नीचे भी बराबर है, ना छोटा ना बड़ा है। 1 इंच पे ये जो मार्किंग है दोनों पकड़ के, दोनों बराबर रख के 1 इंच पे स्टिच हो जाएगा क्योंकि हमारा सेम मार्जिंग है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ घंटी का निशान आएगा उसको दबाइए और उसको ऑल पे कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।